ईशा ने आज का दिन हमारे जीवन में दिया है। आइए प्रार्थना के साथ इस सभा को हम शुरू करते। प्रभु महान और दयालु परमेश्वर है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। स्वर्गीय पिता, फिर से एक बार आपके पवित्र चरणों में आते हैं। सारे आदर और महिमा प्रभु आपको देते हैं। प्रभु आप महान हैं। आज के दिन के लिए धन्यवाद करते प्रभु। शुरुआत से लेकर आखिर तक प्रभु आप हमें मदद करना। प्रभु यीशु के नाम से आमेन। मेरा नाम विश्वजीत दास है और आज हम परमेश्वर के वचन के बारे में सीखेंगे। वेलकम टू गेट मिनिस्ट्री, राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ। ईश्वरीय वचन को ठीक रीति से बांटना इज़राइल के लिए क्या है, विश्वासी के लिए क्या है, अन्य जाति के लिए क्या है। आज का जो हमारा विषय है, किंगडम ऑफ हेवन एंड किंगडम ऑफ गॉड, स्वर्गीय राज और परमेश्वर की राज, इस दोनों के बारे में उनके अंदर कोई डिफरेंस है, डिफरेंस को हम देखेंगे और इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे और परमेश्वर के वचन से हम पढ़ेंगे। जब हम देखते मत्ती के सुसमाचार उसकी 6 अध्याय उसकी 9 और 10 जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन से हम पढ़ेंगे आपके लिए। मत्ती के सुसमाचार उसकी 6 अध्याय उसकी 9 और 10 आयत को मैं पढ़ूंगा आपके लिए। परमेश्वर की वचन यहाँ पर लिखा है, मत्ती उसकी 6 का उसकी 9 आयत। अंत तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है ऐसे पृथ्वी पर भी हो। सो ये परमेश्वर की वचन है और इस परमेश्वर की वचन यीशु मसीह अपने चेले को सिखा रहा है। क्या सिखा रहा है? जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है ऐसे पृथ्वी में पूरी हो जाए। एंटायर इज़राइल परमेश्वर की राज की स्थापना यानी स्वर्गीय राज की स्थापना उसके इंतजार कर रहे हैं इस पृथ्वी पर, और उसके लिए प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को सिखा रहा है कि तुम इस रीति से प्रार्थना कर, क्योंकि परमेश्वर ने उसके लिए क्या किया है, वायदा किया है। जैसे परमेश्वर ने अब्राहम को वायदा किया है, इस रीति से इज़राइल क्या कर रहे हैं, परमेश्वर की उस वायदे का इंतजार कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह कब उस परमेश्वर की राज की स्थापना करेगा, क्योंकि ये परमेश्वर की वायदा है कि यीशु मसीह आएंगे और परमेश्वर की राज की स्थापना करेंगे इस पृथ्वी पर। जब मत्ती सुसमाचार उसकी 5 अध्याय को पढ़ते हैं, जो मीक है वो क्या करेंगे, वो पृथ्वी की अधिकारी होंगे। तो ये सारे 4, 5, 6, 7 मत्ती सुसमाचार जब हम उस पढ़ते हैं, ये यहाँ पर सर्मन ऑफ द माउंट पहाड़ी प्रदेश के नाम से जाना जाता है, और जो विद्वान है, स्कॉलर है, वो इस बात को बताते हैं कि 4, 5, 6, 7 जो अध्याय है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बाइबल, मतलब बाइबल के संविधान, और जो परमेश्वर की राज की स्थापना इस पृथ्वी पे होगा और उस आधार पर परमेश्वर सबकी क्या करेंगे, नहीं करेंगे। और इसमें बहुत सारी चीज़ें दिया गया है कौन कौन कैसे उसको पृथ्वी में राज करेंगे। तो किंगडम ऑफ हेवन एवं किंगडम ऑफ गॉड ज़्यादा उसके अंदर कोई डिफरेंट नहीं है, पर क्या क्या डिफरेंट है, क्या क्या चीज़ें हैं वो उसको हम देखेंगे। तो परमेश्वर के वायदे के अनुसार परमेश्वर ने वायदा किया इज़राइल को, इस राज को देंगे। और जब 10 आयत को फिर से आपके लिए पढ़ते हैं,
मत्ती चुसु समाचार उसकी छठी अध्याय उसकी 10 आयत। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है ऐसे पृथ्वी पर पूरी हो जाए। तो परमेश्वर की इच्छा जो स्वर्ग में पूरी होती है उसको प्रार्थना करने के लिए सिखाया प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेले को, ऐसे पृथ्वी में पूरी हो जाए, और इसका वो इंतजार कर रहे हैं। और जिसके बारे में प्रकाशित वाक्य उसकी 20 अध्याय में लिखा है कि परमेश्वर 1000 वर्ष के लिए इस पृथ्वी में राज करेंगे और उसी के इंतजार में है। और प्रभु यीशु मसीह क्या हो जाएंगे, राजा होंगे, और उसी के इंतजार है क्योंकि परमेश्वर ने उसको वैधा करके रखा हुआ है। प्रियो, परमेश्वर के वचन सिखाते हैं रोमियो उसकी 10:17 में, विश्वास सुनने से और परमेश्वर के वचन से होता है। फेथ कम्स बाय हियरिंग, हियरिंग बाय द वर्ड ऑफ गॉड। जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और विश्वास करते हैं, हम क्या होता है, प्रभु में बढ़ जाते हैं, प्रभु में बढ़ते हैं और मजबूती देते हैं। अनटिल अनलेस इफ यू आर नॉट राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ, यू मे नॉट अंडरस्टैंड द वर्ड ऑफ गॉड। जब तक हम परमेश्वर के वचन को सही रीति से विभाजन नहीं करते हैं, तब तक परमेश्वर को वचन को सीखना और जानना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बाइबल एक जैसा नहीं है, बहुत सारे चेंजेस है, उसको हम देखना पड़ेगा। डिफरेंट टाइम डिफरेंट थिंग्स हम देख सकते हैं। डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस, ये अनुग्रह काल में परमेश्वर जो मसीह के अंग है, और इसके बारे में प्रभु यीशु मसीह करंतियों की पुस्तक में उसकी 2 अध्याय 5 आयत हम पढ़ेंगे आपके लिए। क्या कहते हैं करंतियों की पुस्तक में, हम देखेंगे 2 अध्याय 5 आयत उसकी 1 आयत आपके लिए मैं पढ़ता हूँ। 2 अध्याय 2 करंतियों की पुस्तक उसकी 5 अध्याय उसकी 1 आयत को हम पढ़ेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सड़ी का घर गिराया जाएगा, तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथ से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थाई है। सो हमें एक घर मिलेंगे, कहाँ पर, स्वर्ग में मिलेंगे। इज़राइल को कहाँ, परमेश्वर के साथ तो पृथ्वी पर राज करेंगे। और हम जानते हैं परमेश्वर के वचन में लिखा हुए उसी करंतियों की पुस्तक में उसकी 16 आयत को, परमेश्वर ने एक नया सृष्टि करके हमें बनाया। इस सृष्टि में इज़राइल है, अन्य जाति है, स्वतंत्र है, सब मिलकर परमेश्वर ने एक नया सृष्टि बनाया, और उसको परमेश्वर के वचन के अनुसार मसीह के अंग कहलाते हैं। हम जो मसीह के अंग हैं, परमेश्वर ने हमें वायदा किया है, अगर हम विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमें स्वर्ग देने के लिए वायदा किया है। जब हम विश्वास करते हैं, हम परमेश्वर के साथ क्या हो जाते, स्वर्ग में जाने के लिए परमेश्वर ने हमारा रास्ता क्लियर करते हैं। 2 करंथ की पुस्तक उसकी 5 अध्याय हम 17 आयत को जब हम पढ़ते हैं, 16 आयत को हम पढ़ेंगे आपके लिए। पहले हम 17 पढ़ेंगे, उसके बाद 16 पढ़ेंगे। इसीलिए यदि कोई मसीह में है, वो एक नया सृष्टि है। यदि कोई मसीह में है, वो नया सृष्टि है, और पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नए हो गई है। प्रियो, हम एक नया सृष्टि है। प्रभु यीशु मसीह ने विश्वास के द्वारा एक नया सृष्टि बना है, इस बातों को आपको विश्वास करना है। तो परमेश्वर के लिए, परमेश्वर ने हमारे लिए एक जगह तैयार किया है, और वो है हेवन, जिसको हम स्वर्ग कहते हैं। तो इज़राइल के लिए परमेश्वर जो है क्या करेंगे, प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पे आएंगे, 1000 वर्ष राज करेंगे। पर अब जब हम अनुग्रह काल में हैं, डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेज, अनुग्रह काल में है, परमेश्वर ने क्या कर रहा है, परमेश्वर ना तो यहूदी ना तो अन्य जाति, जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और 3रे दिन जी उठे, इस सुसमाचार के जरिए परमेश्वर हमें प्रभु के अंग होने के लिए हमें एक मौका देते हैं।
विश्वास से होता है, और इस विश्वास के साथ परमेश्वर ने हमें वायदा किया है हेवन, और इज़राइल को वायदा किया है ये पृथ्वी। जब हम रेवोल्यूशन की पुस्तक यानी प्रकाशित वाक्य को हम देखते हैं, उसकी 19 अध्याय को जब हम देखते हैं, आइए हम पढ़ेंगे। वहां पर लिखा है 19 अध्याय परमेश्वर की वचन में लिखा है, किंग ऑफ किंग्स एंड लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड, प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु है। प्रियो, परंतु वही परमेश्वर क्या करेंगे, इस पृथ्वी पर राज करेंगे। उसकी रेवोल्यूशन उसके 19 का 16 अध्याय, पहले मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा। एंड ही हैज ऑन हिज वेस्चर एंड ऑन हिज थिंग नेम रिटन किंग ऑफ किंग्स एंड द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स। तो प्रभु यीशु मसीह प्रभुओं का प्रभु है और राजाओं का राजा है। प्रभु यीशु मसीह जो वायदा किया इज़राइल को, परमेश्वर की राज वो पृथ्वी में देने वाला है, और हमें परमेश्वर के राज स्वर्ग में देने वाला है। ज्यादा अंतर नहीं है। तो अगर हम इसको राइटली डिवाइडिंग करें, सही रीति से विभाजन करें, तब जाके इस बात को समझ में आता है। परंतु अभी जो हम प्रभु के अंग है, आप ना तो कोई इस काल में, आपको एक ही रास्ता है स्वर्ग को पाने के लिए, वो है प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करना। जब हम विश्वास करते हैं, परमेश्वर हमें क्या देते हैं, अनंत काल के जीवन देते हैं, और हेवन में जाने के लिए हमारा रास्ता साफ करते हैं। क्योंकि अगर हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह नहीं है तो हमारे लिए मुश्किल है। एक आयत को हम पढ़ेंगे, कलीसियों की पत्री उसकी 1:27 आयत को हम पढ़ते हैं। इसमें लिखा है, कलीसियों की पत्री 1:27, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में इस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वो ये है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। परमेश्वर कहाँ रहता है? एक समय था परमेश्वर बीच में रहता था, अब हमारे अंदर रहता है। कैसे हुआ? विश्वास से। जिसके अंदर परमेश्वर की आत्मा नहीं है वो परमेश्वर का नहीं है। तो परमेश्वर ने अपना निजो प्रोजा हमें बनाया, कैसे बनाया? विश्वास के। परंतु अभी जो कोई, इवन आज के दिन में, अगर इज़राइल को बचना है, परमेश्वर की इस वचन को विश्वास करना पड़ेगा। इंग्लिश में मैं पढ़ूंगा, कलीसियों की पत्री 1:27 आपके लिए मैं पढ़ता हूं। टू हुम गॉड वुड मेक नॉन व्हाट इज द रिचेस ऑफ द ग्लोरी ऑफ हिज मिस्ट्री अमंग द जेंटाइल्स व्हिच इज क्राइस्ट इन यू द होप ऑफ ग्लोरी। सी, क्राइस्ट प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर है, मतलब परमेश्वर की वचन स्प्रिट, परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। जब हम प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, पवित्र आत्मा से हम सील्ड हो जाते हैं, और इस सील्ड को जो परमेश्वर ने सील्ड कर देते हैं, दुनिया के किसी के पास ताकत नहीं उसको तोड़ सकते। और जब तक यीशु मसीह बादलों पे ना आते, एपिसियस की 1:13, एपिसियस की 4:30 प्रियो, तो परमेश्वर ने हमें हेवन करके दे दिया है स्वर्गीय राज। जब हम इस पृथ्वी छोड़ते हैं तो हम प्रभु के पास पहुंचते हैं, परंतु इज़राइल उसकी राह देखता है। प्रियो, एक तो ये हो गया। दूसरी, परमेश्वर की वचन में कहते हैं, मांस और लहू परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकते। करेक्ट, मांस और लहू, अगर कोई कोशिश करे परमेश्वर के राज में प्रवेश करने के लिए, तो मांस और लहू, क्योंकि कहा परमेश्वर के राज कहां पर है? स्वर्ग में, ऊपर की तरफ, ऊपर जाते हैं।
यीशु मसीह काम डाउन ऊपर से नीचे आते हैं और वे इस पृथ्वी पे 1000 वर्ष राज करेंगे। हम नीचे से ऊपर जाते हैं विश्वास के जरिए। दोनों अलग अलग चीजें हैं पर अलग नहीं है। जैसे परमेश्वर ने वायदा किया इसराइल को, जैसे तुम्हारा इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है पृथ्वी में पूरी हो जाए, परमेश्वर मसीह ने क्या किया, वायदा किया इसराइल को, और उस वायदा को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पे आएंगे। और हमें जो है परमेश्वर ने क्या दिया है, पहला ग्रंथ की पुस्तक उसकी 15 अध्याय उसकी 50 आयत को हम पढ़ेंगे। पहला ग्रंथ की पुस्तक उसकी 15 अध्याय उसकी 50 आयत को पढ़ेंगे। देखिए परमेश्वर की वचन वहां पर क्या लिखा है उसको हम पढ़ेंगे। पहला ग्रंथ की पुस्तक उसकी 15 अध्याय उसकी 50 आयत। हे भाइयों, मैं ये कहता हूं कि मांस और लहू परमेश्वर के राज के अधिकारी नहीं हो सकते और नाशवान अविनाशी का अधिकारी और ना नाशवान अविनाशी का अधिकारी हो सकते हैं। मांस और लहू परमेश्वर के राज में अधिकारी नहीं हो सकते। इस जीवन में जब प्रभु यीशु मसीह को हम धारण करते, मतलब क्या है, परमेश्वर के वचन को, पवित्र आत्मा जो प्रभु यीशु मसीह के मुंह से बताए हुए बोली, वो परमेश्वर की वचन है, पवित्र आत्मा है जो इस बाइबल में स्पष्ट रूप से लिखी हुई है। ये परमेश्वर की वचन जब हम अपने जीवन में रखते हैं तो हम शरीर की अभिलाषा के अनुसार नहीं चलते, आत्मिक अभिलाषा के अनुसार चलते, आत्मिकता में हमें जीते हैं। तो इसीलिए पौलुस कहते हैं, मैं नहीं परंतु प्रभु यीशु मसीह मुझ में है। मैं यीशु मसीह के साथ, जब यीशु मसीह मारा गया गाड़ा गया तीसरे दिन जी उठे, हम भी उसके साथ मारा गया गाड़ा गया तीसरे दिन जी उठे। ये आत्मिकता है, विश्वास से आपको ये परमेश्वर आत्मिकता को मिलते हैं। इसीलिए किंगडम ऑफ हेवन एंड किंगडम ऑफ गॉड ऑल आर मोस्ट सिमिलर है। किंगडम ऑफ गॉड जब हम पढ़ते हैं मत्ती सुसमाचार उसका 6:33 आइए पढ़े, मत्ती सुसमाचार उसकी 6:33। आप सबको पता है इस वचन के बारे में, फिर भी हम पढ़ेंगे उसको, देखेंगे परमेश्वर की वचन क्या कहते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु महान और दयालु है। जितने लोग सुन रहे हैं आज वचन प्रयोग, ये आपको जीवन को बदल देगा, विश्वास करिए, ये परमेश्वर के वचन है, मेरा दिल की बात नहीं है ना इधर उधर की बात है। प्रभु का वचन क्या कहते हैं सुनिए, 6:33 आपको पता है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर की राज उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तु तुम्हें मिल जाएंगे। सी किंगडम ऑफ गॉड, सर्च फर्स्ट किंगडम ऑफ गॉड एंड हिज राइचियसनेस, सीक द फर्स्ट किंगडम ऑफ गॉड एंड हिज राइचियसनेस। ते आत्मिकता प्रभु यीशु मसीह में, यीशु मसीह कहते हैं कि परमेश्वर का राज तुम में है। जब यीशु मसीह अर्थली मिनिस्ट्री जब पृथ्वी में अपना सेवकाई किया कि परमेश्वर की राज तुम में। एक तो शारीरिक किंगडम, फिजिकल किंगडम गोइंग टू एस्टैब्लिश ऑन दिस अर्थ एंड स्पिरिचुअल किंगडम, परमेश्वर हमें कहते हैं मांस और लहू क्या है, परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकते। दोनों एक जैसा है पर थोड़ा से आपको सोचना पड़ेगा कि परमेश्वर के वचन क्या कहते हैं। हम हेवन में हैं, वो लोग पृथ्वी में। एफिसियों की पत्री उसकी 1:10 को जब हम पढ़ते हैं
परमेश्वर के वचन स्पष्ट रूप से इस बात को बताते हैं। आइए निकले एपिसोड की पत्री 1:10, उसमें क्या लिखते हैं, लिखते हैं कि एपिसियो उसकी 1:10 कि समय के पूरे होने का ऐसे प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है सब कुछ वो मसीह में एकत्रित करेंगे। इन द टाइम ऑफ डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस गॉड विल गैदर एवरीथिंग टुगेदर। जब समय होगा द डिस्पेंसेशन ऑफ परमेश्वर क्या करेंगे, सबको इकट्ठा करेंगे। जो स्वर्गीय है वो स्वर्ग का होगा, जो पृथ्वी का है वो पृथ्वी का होगा। तो प्रियो जब हम रेवोल्यूशन की पुस्तक उसकी 21 अध्याय को हम पढ़ते हैं, हम देखते हैं न्यू हेवन एंड न्यू अर्थ कमिंग डाउन फ्रॉम द हेवन। एक न्यू अर्थ परमेश्वर न्यू जेरूसलम इस पृथ्वी में परमेश्वर क्या करेंगे, एस्टैब्लिश करेंगे, और ये न्यू हेवन जिसमें हम रहेंगे। तो दोनों परमेश्वर ने हेवन सबको दिया है, पृथ्वी पर एक हेवन है और एक हेवन स्वर्ग में है, एक है स्वर्गीय हेवन है, एक अर्थली हेवन है, इस पृथ्वी में एक हेवन है। परंतु आप जो मसीह में हम, आप जो हम विश्वासी हैं, जो विश्वास करते राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ, परमेश्वर की वचन को हम सही रीति से विभाजन करते हैं, प्रियो हमारे लिए एक वायदा है। हमें परमेश्वर ने क्या दिया है, हेवन दिया है। इसीलिए जो मसीह में है एक नया सृष्टि, हम नया सृष्टि है, मसीह के अंग है। परमेश्वर ने हमें कुछ काम सौंपा है, इस काम को हमें करना है, इस सुसमाचार की काम, किंगडम ऑफ हेवन एंड किंगडम ऑफ गॉड। प्रियो हम एक आत्मिकता में हमें जीवन को बिताना है, हम आत्मिकता में परमेश्वर के वचन के अनुसार बढ़ना है और आत्मिकता में प्रभु के वचन को लोगों तक पहुंचाना है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें एपिसियो 1:3 में कहते हैं सारे जो है आत्मिक आशीष गारंटी करके दिया है। एपिसियो उसका 1:3 मैं आपके लिए पढ़ूंगा, गारंटी जिसको हम गारंटी करके बोल सकते हैं, पढ़िए आपके लिए मैं पढ़ता हूँ एपिसियो उसका 1:3। बहुत सारे बाइबल में आत्मिक शब्द नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं है, और इंग्लिश में भी बहुत सारे बाइबल में स्पिरिचुअल शब्द को हटाया है, पता नहीं क्यों हटाया। पर जब हम किंग जेम्स वर्सन को पढ़ते हैं वह क्लियर लिखा है ऑल द स्पिरिचुअल ब्लेसिंग, इसीलिए हमें किंग जेम्स वर्सन को ही पढ़ना है, जो हम वचन को ठीक ढंग से जो परमेश्वर के वचन हो वचन समझ कर पढ़ सकते हैं। एपिसियो 1:3, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। गारंटी, सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। और मत्ती सुसमाचार 6:33 को जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन के कहते हैं सबसे पहले परमेश्वर की राज और उसकी धर्म की खोज करो तब जाके तुम्हें तुम्हें सब वस्तुओं मिलेगा। सी इट इज अ कंडीशन, कोई गारंटी नहीं है आपको मेटेरियल एंड फिजिकल ब्लेसिंग, भौतिक और शारीरिक आशीष जो है परमेश्वर एक कंडीशन के साथ रखा हुआ है, ये परमेश्वर के हाथ में है। उन पर भी उस कंडीशन को पूरा करता है तब जाके इज़राइल को आशीष मिलेगा। अगर उस रिक्वायरमेंट जो परमेश्वर का है, जो परमेश्वर चाहते हैं परमेश्वर की रीति से, अगर वो लोग अनुसार परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते हैं तब परमेश्वर उसको नहीं देंगे। कंडीशन रखा, सीक द फर्स्ट किंगडम ऑफ गॉड एंड हिज राइटियसनेस, सबसे पहले परमेश्वर की राज उसकी धार्मिकता की खोज करो तब मिलेंगे। परंतु परमेश्वर हमें जो है क्या किया है, एक गारंटी करके आत्मिक आशीष दिया है, सब प्रकार की स्वर्गीय स्थानों में से आत्मिक आशीष दिया है। पौलुस कहता है तुम जानते नहीं कि तुम परमेश्वर की अंग, डू यू नॉट नो यू आर द टेम्पल ऑफ द लिविंग गॉड, तुम जानते नहीं कि तुम परमेश्वर की मंदिर हो। हम परमेश्वर की मंदिर है और परमेश्वर हमारे अंदर रहता है। परंतु
इज़राइल के समय जब यीशु मसीह पृथ्वी में था, यीशु मसीह उसके बीच में था, परंतु हमारे अंदर रहता है। तो प्रियो, ये आत्मिकता, जो आत्मिक ब्लेसिंग, आत्मिक आशीष जो परमेश्वर ने हमें दिया है, ये विश्वास के आधार पर। जब आप विश्वास करते हैं क्या होता है, बहुत सारी चीजें, एपीसीओ उसकी 1:13 में आप विश्वास करने से क्या होता है, आप इसको देख सकते हैं। एपीसीओ 1:13, ये परमेश्वर की वचन है, प्योरली परमेश्वर की वचन है, मन की बात नहीं है, इधर उधर की बात नहीं है। परमेश्वर के वचन को सुनिए, जिससे कि परमेश्वर आपको सही मार्ग दिखाए, सही रास्ता पे आप चल सकते हैं। और इस वीडियो जितने लोग सुन रहे हैं, अगर आप चाहते हैं लोगों को बचाना है, इस वीडियो को आप बहुत सारे लोगों को भेज दीजिएगा, ताकि लोग जो वचन को सुने उसको अनंत जीवन मिले। एक गिफ्ट है परमेश्वर की ओर से, वरदान है, इसके लिए आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं, विश्वास करने से होता है, क्योंकि परमेश्वर ने गारंटी करके दिया है। यीशु मसीह जब मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठाए, आपका सारे पापों को प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया है, अपने ऊपर ले लिया। 1:13 एपीसीओ को जाने से पहले मैं 1:7 पढ़ूंगा, ये कैसे संभव हुआ है। एपीसीओ उसकी 1:7, हमको उसमें, क्योंकि लहू के द्वारा छुटकारा, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा, सी प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें छुटकारा दिया है। ये कैसे होता है, जब आप विश्वास करते। पिछले 2000 वर्ष से शैतान की चाल है मनुष्यों की गलत शिक्षाओं में बंदी करके रखना और गलत शिक्षाओं में चलाना, परंतु प्रभु यीशु मसीह का वचन से जब आप सुनते हैं, विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से, जब परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, परमेश्वर ने इस बाइबल के अंदर लिख के दिया है, आपको छुटकारा मिलता है, सुनने से होता है। तो जब आप इस वचन को आप सुनते हैं, समझते हैं, अगर आपको लगता है कि ये वचन लोगों को भी बताया जाए, सिखाया जाए, प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि लोग बचाए जाए। ये आत्मिक जीवन के लिए है। फिर से एक बार एपीसीओ 1:7, हमको उसमें उसके लोहू के द्वारा छुटकारा, यीशु मसीह के लोहू के द्वारा, लोहू बहाने से छुटकारा। जब तक यीशु मसीह लोहू नहीं बहाया, तब तक छुटकारा हम अन्य जाति को नहीं था। जब यीशु मसीह ने हमारे लिए उपाय करके दिया, लोहू बहाया, तब हमें क्या मिला है, छुटकारा मिला है। कैसे, अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिली है। मिलने वाला नहीं, मिली है। जब आप विश्वास करते, परमेश्वर आपके सारे अपराधों को क्षमा करते हैं। प्रियो, यीशु मसीह के लोहू के द्वारा संभव है। द गेट मिनिस्ट्री का मेन पर्पस है लोगों को बचाया जाए। अब गेट मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करें, हमारे लिए प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर की वचन सीखने में प्रभु हमारे लिए दरवाजा खोले। जो भी जरूरत है, परमेश्वर पूरा करने वाला परमेश्वर है, मैं और आप नहीं, प्रभु करते, प्रभु के हाथ में। फिर 1:13 पढ़ूंगा आपके लिए, एपीसीओ 1:13, और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना। सुनने से होता है, जब आप सच्चाई के वचन को सुनते क्या होता है, जो तुम्हारा उद्धार का सुसमाचार है, उद्धार का भी एक सुसमाचार है जो केवल पौलुस को दिया गया है। ठीक है, क्या उद्धार की सुसमाचार, यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, उद्धार की सुसमाचार है। और जिस पर तुमने विश्वास किया, जब आप इस सुसमाचार पर विश्वास करते तो क्या हो, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी है। प्रभु यीशु मसीह ने आपको क्या कर दिया, सील कर दिया होली स्पिरिट से, और आप सील हो गया है। तो किंगडम ऑफ गॉड ए आत्मिक है, जो हम विश्वास करते हैं, मसीह के जो अंग है, जब आप दुनिया छोड़ के जाते हैं, हम प्रभु के पास पहुंचते हैं। और किंगडम ऑफ हेवन परमेश्वर ने इज़राइल को वायदा किया है, प्रकाशित वाक्य उसकी 20 अध्याय 1 से लेके आगे की ओर जब पढ़ेंगे, 7 बार कहा गया है
कि परमेश्वर 1000 वर्ष इस पृथ्वी में राज करेगा। प्रियो, आपसे निवेदन है, इस वचन को सुने, समझे, और परमेश्वर ने आपको क्या किया है, बहुत आशीष दिया है। प्रभु महान है, दयालु, धन्यवाद करता हूँ आपके लिए, प्रार्थना करता हूँ प्रभु आपको आशीष दे, आपकी जरूरतों को पूरा करे। प्रभु महान है, प्रभु के सामने आइए, प्रार्थना करिए, वचन को सुने और सिखाए सबको। जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन, आमीन।